हेलो फ्रेंड्स, ये सम सॉल्व करते हैं हम। इसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट का पहला सम है हुज कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ मेजर 120। यानी कि ये जो 120 वैल्यू है वो थेटा की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू 42 है और हमें माइनर सेगमेंट ढूंढना है। अभी सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सो दिस इज माई सर्कल, उसमें दो रेडियाई बनाएंगे हम, राइट। ये एक मेरा रेडियस हो गया, ये मेरा दूसरा रेडियस हो गया, एंड देन उसके एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करके मैंने ये सेगमेंट बना दिया। तो ये जो सेपरेटेड एरिया है, मैंने थियोरी के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जो सेपरेटेड एरिया है दैट इज सेगमेंट। लेट मी हाईलाइट इट। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने थियोरी में एक्सप्लेन किया था कि सेगमेंट जो है वो सेक्टर का ही एक पार्ट है, राइट। ये अगर यहाँ पे लाइन नहीं होती, ये लाइन यहाँ पे नहीं होती, तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है वो सब सेक्टर ही होता। उसमें से ये एक पोर्शन अलग हुआ जिसको हमने नाम दे दिया सेगमेंट। अभी ये सेगमेंट ढूंढने के लिए हमें सेक्टर तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम माइनर सेक्टर ढूंढेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर थेटा अपॉन 360, राइट। अभी इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हमें 22/7 लेना है। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42, दैट इज फॉर 2 टाइम। सो 42 × 42, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, एंड देन वैल्यू ऑफ थेटा वो भी हमें दी गई है 120, राइट। 120 इज द वैल्यू ऑफ थेटा। सो यहाँ पे 120 एंड 360। अभी 0 0 कैंसल, 12 3 36, नाउ 3 1 3 3 4 12, सो 14 3 42, इतना हमारे पास रह गया। अभी 7 2 14, जो रिमेनिंग है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 42 × 2। अभी फ्रेंड्स 22 × 42 2 84। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 84 एंड 22 का। सो 84 × 22, यूनिट के लिए 0 2 4 8 2 8 16, 2 4 8 2 8 16, दोनों को ऐड करेंगे, 8 8 + 6 14, ये 1, 6 + 1 7 7 + 1 8, ये 1, सो दिस इज 1848। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 8 1 8 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें ढूंढना क्या है, सेगमेंट ढूंढना है। ये हमें सेक्टर मिल गया। अभी ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, लेट्स नेम इट ओ ए बी, ये ट्राइंगल ओ ए बी दिख रहा है आपको, उसका जो एरिया है वो आपको सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना है। अभी फ्रेंड्स ये ट्रायंगल का एरिया ढूंढने के लिए जो मुझे समझाना है वो मुझे पहले आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हेल्प से समझाना है। तो सबसे पहले मैं आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ताकि आप ये बेटर समझ पाए। शायद आपको थोड़ा हार्ड लगेगा मगर आपको वीडियो कंटिन्यूसली देखना है, आपको समझ आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे मैं एक ऑल्टीट्यूड बना रहा हूँ। ऑल्टीट्यूड यानी ऐसी लाइन सेगमेंट, जो अपोजिट साइड को, 90 पे मिलती हो, तो ये मैंने ऑल्टीट्यूड बना दिया। अभी आइसोसिलस ट्राइंगल, ये मैंने आइसोसिलस बनाया हुआ है, यहाँ पे जो मेजरमेंट है यही मेजरमेंट यहाँ पे भी है, ये दोनों सेम लाइन है, ये रेड लाइन का मेजर ये दोनों से अलग है। अभी फ्रेंड्स ये मैंने ऑल्टीट्यूड बना दिया, लेकिन आइसोसेलस ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड ही मीडियन होता है। नाउ व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड यानी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सामने की साइड को 90 पे मिलती है वो ऑल्टीट्यूड है। मीडियन जो सामने की साइड को सेम दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो आप देख सकते हो ये सेम दो पार्ट में डिवाइड भी हो रहा है, 3 and 3, isn't it? तो फ्रेंड्स ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो आप ऑल्टीट्यूड ही मीडियन है, मीडियन ही ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं ये जूम वर्जन ले रहा हूँ इतने ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल को यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ M, ये ट्राइंगल ओ ए बी, ये M। अभी यहाँ पे भी मैं O नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे A, यहाँ पे M, यहाँ पे B, ठीक है। अभी ये सपोज जूम वर्जन है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो कंपलसरी 60 होगा। कैसे 60 होगा? ये पूरा 120 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पूरा 120 दिया हुआ है, तो मैंने उसका हाफ कर दिया, ठीक है। सो आई कैन राइट ओवर हियर एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम इक्वल्स टू 1/2 एंगल ए ओ बी, पूरा जो ए ओ बी है उसका हाफ होगा ए ओ बी, सो इट विल बी 1/2 × 120, सो इट विल बी 60 एंगल, राइट। सो ये यहाँ पे भी 60 हो गया, यहाँ पे भी 60 हो गया। अभी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मेरे पास ये साइड ए बी साइड होनी जरूरी है।
अभी ये ए बी साइड जो ढूंढनी है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के फंडा यूज करेंगे। अगर एग्जाम में सेगमेंट आता है तो यू विल हैव टू कैलकुलेट सो मेनी थिंग्स। हियर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता हो तो ये आप ये समझ पाओगे। अभी यहाँ पे 60 एंगल हैं, यहाँ पे 90 हैं, ठीक है। अभी ये साइड को हम थेटा कंसिडर करते हैं, सो हियर थेटा, अगर यहाँ पे थेटा है तो ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेन्यूस। तो अभी हम ए एम पता करते हैं। अभी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं साइन 60। साइन का फॉर्मूला क्या है, आपने अगर मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड दैट चैप्टर फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। नाउ साइन 60, अभी साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 60 की वैल्यू टेबल में से आएगी, टेबल आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में देख सकते हो। साइन 60 की वैल्यू √3/2, अपोजिट साइड जो है दैट इज ए एम, तो ए एम मुझे नहीं पता है, हाइपोटेन्यूस मुझे पता है, हाइपोटेन्यूस इज 42 बिकॉज दैट इज द रेडियस। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो दैट इज द रेडियस, सो लेट मी मेंशन ओवर हियर दैट इट्स 42, सो दिस इज 42 एंड दिस इज इवन 42, ओ ए एंड ओ बी 42। सो नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन फर्दर, सो इट विल बी 42√3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए एम, सो आई कैन से इट विल बी 21√3, 21√3 इज इक्वल्स टू ए एम। नाउ लेट मी लुक एट द फिगर, मैंने जैसे बताया कि ऑल्टीट्यूड ही मीडियन है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये आइसोसेलस ट्राइंगल, इसलिए बोल सकता हूँ, नॉट नेसेसरली फॉर ऑल द ट्राइंगल, ये आइसोसेलस है इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, राइट। अभी ए एम मुझे क्या मिल गया, ए एम मिल गया 21√3, सो आई कैन से ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21√3 बिकॉज दे आर सेम, ए बी इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एम बी। नाउ दिस विल बी ए बी इज इक्वल्स टू 21√3 प्लस 21√3, सो इट विल बी ए बी इज इक्वल्स टू 42√3 सेंटीमीटर। सो नाउ आई हैव द मेजरमेंट ऑफ दिस थर्ड साइड, बट नाउ इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर 1/2 ऑल्टीट्यूड बेस्ड फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो मेरे पास ये ओ एम भी होना चाहिए। अभी ओ एम कैसे पता करेंगे, इट्स अगेन रियली वेरी इजी, कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे थेटा लिया हुआ है, अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस। अभी मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सिलेक्ट करने वाला हूँ cos 60, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट मी डू द कैलकुलेशन ओवर हियर, दैट्स cos 60 इज इक्वल्स, नाउ cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, cos 60 की वैल्यू 1/2, हियर एडजेसेंट साइड दैट इज ओ एम, हम ट्राइंगल ओ ए एम की बात कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड इज ओ एम एंड हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज 42, सो नाउ दिस इज 42/2 बिकॉज ये 42 इधर आ गया, 42 × 1 = 42, सो दिस इज 21 इज इक्वल्स टू ओ एम एंड दैट सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। नाउ आई हैव दिस ओ एम 21, दिस ए बी 42√3, नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, सो दैट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए triangle, that's 1/2 into altitude into base. Now 1/2, altitude is 21 here and base is, so base is AB and AB is 42√3, so into 42√3, now this is 2 and this is 21, so 21 × 21, here 21 multiplied by 21, unit के लिए 0, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, here 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, so it is 441, so that is 441√3 centimeter square, but this is not the final answer, अभी मुझे triangle का area मिला। Now मुझे क्या करना है, 1848 में से 1848 was the minor sector, minor sector में से triangle minus करना है, right? I explained earlier, minor sector में से ये जो triangle है, इतना triangle है, that is to be subtracted, तो मुझे मिल जाएगा segment, तो अभी ये triangle को subtract करना है, triangle का area and sides ढूंढने के लिए हमने इतनी मेहनत की, अभी हम क्या करेंगे,
एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, लेट मी राइट डायरेक्टली, माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू 1848 माइनस 441 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ दिस टू आर नॉट लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इसके साथ रूट 3 होना चाहिए तो वो लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो इसके आगे हम नहीं जा सकते, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इट. दिस इज माय आंसर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 1848 माइनस 441 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप यू एंजॉयड लर्निंग through this video. It's bigger sum, but I tried to explain as good as I could. If still, if you have any question, you can contact me by commenting below this course, or you can contact me on the number given on your screen. Thank you.